थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता ही है करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ तो हर लड़की के लिए बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत सारी शॉपिंग भी करने को मिलती है। और उसी तरीके से आज मेरी सासू माँ ने मुझे सर्गी के पैसे दिए हैं ढेर सारे, मैं बस उन्हीं को खर्च करने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं कुछ पसंद आता है तो लेंगे। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरी शॉपिंग देखिएगा कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या स्पेशल लिया। और मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो प्लीज माइंड मत करना और इस ब्लॉग को पूरा देखना। वेलकम बैक, हम घर आ चुके हैं। बस अभी घर आने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह पी है बस, और अभी खाना वगैरह बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो घर आने के बाद बस चाय वगैरह पी, फिर डिनर बनाया, फिर खाना खाया और बस अब मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ जो मैंने लिया है कुछ तो स्टिचिंग के लिए चला गया है,
और जो चीज़ मेरे पास इस टाइम है मैं आपको वो दिखाती हूँ, और जो चीज़ें बच गई हैं वह आप मेरे करवा चौथ ब्लॉग में देखिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन पर भी हिट करिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने किस चीज़ की शॉपिंग करी है। तो चलिए देखिए गाइस, एक तो मैंने ये जुत्ती ली है, देखिए कितना अच्छा सा बारीकी से इसमें काम किया गया है, और ये छन 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 जो इसमें हो रही है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस करवा चौथ पे मैंने सोचा कि मैं ये पहनूंगी, तो एक तो मैंने ये जूती ली है। और एक चीज़ के लिए आप लोगों को लगेगा कि मैंने ये क्यों लिया है, बट मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं लूँ, ये मैंने बैंगल्स ली हैं, ये चूड़ा मैंने ख़रीदा है अपने लिए इस करवा चौथ को डालने के लिए। मुझे पता है आप में से सब लोग बोलोगे एक बच्चे के बाद मैं चूड़ा डालूंगी, बट पता नहीं मुझे बहुत शौक है। मेरी शादी के टाइम पे मैं ज़्यादा टाइम के लिए चूड़ा नहीं डाल पाई थी, बिकॉज़ मुझे एलर्जी का कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं डाल पाई थी। तो मैंने इस बार इस करवा चौथ चूड़ा भी बाय किया है। तो गाइस बस मेरे पास इस टाइम दो ही चीज़ें अवेलेबल थी जो मैं आप लोगों को दिखा पाई हूँ, और मैंने दो सूट्स लिए हैं और एक मैंने साड़ी ली है, वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा और आप लोग गेस करिएगा कि मैंने कौन सी साड़ी ली है, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और आप मेरा फाइनल लुक देखने के लिए आप करवा चौथ पे मैं डिसाइड, अभी तो पहली बात तो साड़ी गई है फॉल के लिए तो उसको आने में टाइम लगेगा। ब्लाउज मेरे को मिल गया था, वो मैं स्टिचिंग के लिए दे आई, और जो भी मैंने सूट एक लिया था अनस्टिच वो मैं स्टिच करवाने दे आई, और क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है आगे तो मैंने अभी ही ले लिया, मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ख़रीद लिया। वो इसमें से एक मैंने स्टिच प्लाजो सेट शरारा सेट लिया, प्लाजो सेट नहीं, वो मैंने फिटिंग के लिए दे दिया है। तो बस यही मेरी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी शॉपिंग है जो मैंने करवा चौथ से लेकर दिवाली तक की कर ली है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कीप वॉचिंग हैप्पी आर्स विद रूपाली, टिल देन बाय बाय।